गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल नोकी मोहब्बत। और आप देख रहे हैं हैप्पी ऑल लव। लास्ट पार्ट में हमने देखा था कि निशांत और निक्की का इंटीमेशंस होता है, और जिसके बाद जो निशांत जब वापस आ जाता है स्कूल रिसॉर्ट से, और थोड़े दिन तक वो निक्की को अवॉइड करता है, जिसकी वजह से निक्की काफ़ी ज़्यादा फ्रस्ट्रेटेड हो जाती है और निक्की को समझ में नहीं आता है कि क्या चल रहा है। निक्की जाके डिस्कस करती है निशांत से, पर दोनों के बीच में कुछ ज़्यादा डिस्कशन सही से होता नहीं है, और निशांत अपना रूड एरोगेंट एटीट्यूड दिखाता है, जिसकी वजह से निक्की को काफ़ी गुस्सा आ जाता है और वो उसको थप्पड़ मार देती है। अब उसके आगे जैसे ही थप्पड़ पड़ता है तो वहाँ पर प्रीति, अनन्या और चाहत, विवेक और विकास सब वहाँ खड़े रहते हैं, क्योंकि ये साइंस ग्रुप का डिपार्टमेंट रहता है तो वो लोग वहीं पर रहते हैं। तभी जो अनन्या बोलते हैं कि निक्की हाउ डेयर यू टू डू दैट, तो निक्की कहती है स्टे अवे विद दैट, यू डोंट नो एनी थिंग। तो यहाँ पर जो प्रीति रहती है वो इशारों से अनन्या को कहती है कि तुम निक्की के पीछे जाओ, पता करो, मैं निशांत से बात करती हूँ। तो निशांत का हाथ पकड़ के प्रीति उसे साइड में लेकर जाती है और कहती है व्हाट हैपेंड। तो निशांत कहता है कुछ भी नहीं प्रीति, मेरे ऊपर हर कोई जब देखो अपनी मर्जी से रूल नहीं कर सकता है, मेरे भी कुछ रूल्स, मेरे भी कुछ फीलिंग्स, मेरी भी कुछ चीज़ें हैं, हर चीज़ लोगों के हिसाब से तो नहीं चलेगी ना। प्रीति कहती है डूड आई अंडरस्टैंड योर एवरीथिंग, आई नो व्हाट यू आर फीलिंग, बट हुआ क्या है? एंड सच बोलूँ, जब से रिसॉर्ट से वापस आए हैं सिर्फ तुम दोनों अलग बिहेव कर रहे हो, बाकी सबका तो पहले जैसा ही नॉर्मल बिहेवियर है, सब लोग पहले जैसे ही हैं। मुझे देख लो, चाहत को देख लो, अनन्या को देख लो, वैदी को देखो, प्रिमजीम को देखो, इवन आई फील द एवरी वन वॉज मोर हैप्पियर देन प्रीवियस, बिकॉज सब ने अपनी लाइफ के इतनी टेंशन, अपनी पढ़ाई के सब चीज़ में से थोड़ा टाइम निकाल के एक दूसरे के साथ वक्त बिताया है, सो दैट इज़ अमेजिंग, बट वाई यू आर सो सैड? Is it something is happened in resort with you and Nikki? तो निशांत को थोड़ा सा फ्लैशबैक याद आता है, निशांत एकदम से हाथ हटाता है प्रीति का, कहता है none of your business प्रीति, अगर कुछ होगा तो बता दूंगा, ज़्यादा इंटरफेयर मत कर। ये पहली बार था निशांत ने कुछ बोला था। प्रीति भी इस एटीट्यूड से काफ़ी ज़्यादा शॉक थी, क्योंकि प्रीति को भी समझ में आता है, प्रीति को भी हर्ट होता है कि निशांत ने उसको ये कह दिया इट्स नन ऑफ हर बिजनेस, आई मीन फ्रेंडशिप में बिजनेस और ये सब चीज़ें कहाँ से आ गई। निशांत वहाँ से उठ कर चला जाता है और जब प्रीति वहाँ बैठी रहती है तो तभी वहाँ से वैदेही गुजरती है। वैदेही प्रीति को इतना अपसेट देखते हुए रह नहीं पाती, वो एकदम से उसके पास आती है और उसे पीछे से हक करके बोलती है हाई जानू, और उसके जो बाल को हटा के उसके वहाँ पर नेक पे थोड़ी सी हल्की सी किस करती है। तो प्रीति कहती है वैदेही अभी छोड़ो, मूड ठीक नहीं है मेरा। तो वैदेही बोलती है ओ एंग्री बर्ड इज अगेन बैक, क्यों अब क्या हो गया तुम्हारे मूड को? तो कहती है तुम्हें पता है अभी क्या हुआ? तो कहती है नो मुझे कैसे पता होगा क्या हुआ। वैदेही कहती है, तभी प्रीति कहती है कि निक्की ने निशांत को थप्पड़ मार दिया। अरे बहुत बढ़िया काम किया यार, पता नहीं निशांत ऐसे क्या काम करता है कि हर लड़की उसको थप्पड़ मार के जाती है, कुछ तो किया होगा उसने। वैसे निक्की ने जोरों शोरों से मारा, हाय दिल को कितना सुकून मिल रहा है जब निशांत को पड़ती है हाय। तभी प्रीति एकदम से गुस्से से वैद्य की तरफ देखती है, वैद्य दो कदम पीछे के उठे ओके ओके ओके, और अपने हाथ को आगे करके दोनों के बीच में गैप रखे बोलते ओके ओके आई एम सॉरी आई एम जस्ट किडिंग, मैं मजाक कर रही थी कि तुम्हारा मूड थोड़ा अच्छा हो, लेकिन ओ एंग्री बर्ड ज़्यादा एंग्री बर्ड मत होना प्लीज़ प्लीज़, अगर तुम ज़्यादा एंग्री हुई तो मैं तो गई, मतलब मेरी तो हालत ऐसी ख़राब हो जाएगी, प्लीज़ 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 शांत। अच्छा बताओ क्या बोला? अरे थप्पड़ ही पड़ा है, दोनों के बीच में मिसअंडरस्टैंडिंग हुई होगी, थोड़ी बहुत लड़ाई झगड़े होंगे, फ्रेंडशिप में तो चलता ही रहता है, मैं भी मार देती हूँ। तो कहती तुमने किसको मारा? मैंने कहा मैं अरुण को मार देती हूँ। कहती कहाँ मारा? मैं पीठ पे मारती हूँ, फेस पे नहीं मारती, क्योंकि वो कितना क्यूट है और चॉकलेट बॉय का फेस खराब हो जाए अच्छा नहीं लगता। यहाँ कुछ और बात चल रही है वैसे ही,
हर चीज को मजाक में लेना बंद करो, प्रीति कहती है। तो वैद्य कहती है कि जानू हर टाइम सीरियस होके प्रॉब्लम सॉल्व भी नहीं होती है, ठीक है, तो थोड़ा सा मस्ती मजाक करके अपने कूल एटीट्यूड को रखो। तुम्हें किस बात का बुरा लगा है ये तो बताओगी नहीं तो मुझे पता थोड़ी ना चलेगा। तो वो कहती है कि जब मैं उससे पूछ रही थी तब उसने कह दिया इट्स नन ऑफ योर बिजनेस, और ये चीज मुझे हर्ट करी है वैदेही। वैदेही उसके करीब आती है, उसे बिठाती है और उसे बोलती है कि पहले तो तुम शांत हो, ठीक है। हर टाइम ऐसा होता है कि जब सामने वाला अपने गुस्सा उतार के चला जाता है तो हमें इस बात का चिढ़ होता है, ओ माय गॉड इसने मुझ पे गुस्सा क्यों उतारा, साला आई एम जस्ट हेयर टू हेल्प, और ये मेरे को गुस्सा दिखा रही है, ये मुझको एटीट्यूड दिखा रहा है या दिखा रही है, हमें ये गुस्सा आता है। बट आप ये सोचो कि वो भी गुस्सा सिर्फ उसी इंसान पे करते जिन पे उनका हक होता है। प्रीति, अगर निशांत ने ऐसा कहा है, उसे ये पता है कि तुम उसे छोड़ के नहीं जाओगी, वो तुम पे गुस्सा कर सकता है, तो अभी वो खुद डिस्टर्ब है, बहुत ज्यादा डिस्टर्ब है, तो तुम उसके गुस्से पे खुद गुस्सा मत हो, शांति से रहकर सोचो कि वो क्यों गुस्सा है। एंड प्रीति यू विल बी द वेरी बेस्ट फ्रेंड, यू आर वेरी गुड फ्रेंड, गो फाइंड आउट कि क्या हुआ है, अभी मत जाओ, थोड़ा उसको शांत होने दो, निक्की का थप्पड़ उसको अंदर ही अंदर हर्ट कर रहा है, जब वो थोड़ा शांत होगा, शाम को कोचिंग का टाइम है उससे पूछ लेना, अभी उसको पोक मत करो, ओके। और अपना ये जो एंग्री बर्ड वाला फेस है इसे बनाना बंद करो, यू लुक क्यूट बट दिस एंग्री बर्ड इट्स नॉट नाइस, ओके, ध्यान रखो अपना। और जैसी ये बोलकर वो जा रही रहती है वैदेही, क्योंकि उसका क्या होता है वो कुछ काम के लिए आई रहती है और वो काम करने के लिए जा ही रहती है, वैदेही जैसी उठती है तो प्रीति उसका हाथ पकड़ती है, उसके साथ खड़े होती है और एकदम से उसको टाइटली हग करती है, बहुत टाइटली, और कहती है वैदेही यू नो वॉट, यू आर द मूड स्ट्रेंजर फॉर मी, मेरा एंग्री मूड को इतना नॉर्मल तुमने 2 मिनट में कर दिया, यू आर सच अ माई माई लाइफ एंड आई नेवर वॉन्ट टू लूज माई लाइफ। तो वो कहती है नो यू आर नॉट गोइंग टू लूज योर लाइफ, यू आर गोइंग टू लिव योर लाइफ इन अ क्वीन साइज। अच्छा अभी मुझे जाने दो, कुछ फॉर्मेलिटीज़ है वो कोच सर के साथ मुझे पूरी करनी है, वो स्टेट का मैंने बताया था ना, तो कहती हूँ तो मैं जाती हूँ, तुम आराम से सिचुएशन सॉल्व करो, नहीं हो तो मुझे बताना, अभी मुझे जाने दो और शाम को कोचिंग में मिलते हैं, ठीक है, बाय। ऐसे बोल के वैदेही वहाँ से अपने काम के लिए निकल जाती है। दूसरी तरफ जो अनन्या रहती है, चाहत रहती है, उसे बहुत ज़्यादा गुस्सा आता है। चाहत बार बार अनन्या को बोलती है कि तुम इस चीज़ से थोड़ा दूर रहोगी, तुम प्लीज़ क्यों पीछे पड़ी हो, थोड़ा टाइम दो, वो दोनों अपने हिसाब से हैंडल कर देंगे। पर अनन्या एकदम से चाहत पर चिल्लाती, कहती है कि निशांत मेरा बेस्ट फ्रेंड है और कोई इसको थप्पड़ कैसे मार सकता है, तुम्हारे लिए ये इतना बड़ी चीज़ नहीं होगी पर मेरे लिए है, माई फ्रेंड इज माई फ्रेंड, और कोई उसे नहीं चिल्लाता। और ये बोलकर वहाँ से चाहत का हाथ छोड़कर वो चली जाती है, वो जाके भागती है निक्की के पास, निक्की जो कैंटीन में बैठी रहती है, फिर वो उसका हाथ पकड़ती है निक्की का और कहती है कि तुम जरा साइड में आओ, क्योंकि वहाँ पर बहुत सारे लोग रहते हैं, तो उसे साइड में बुलाती है और उसे बोलती है कि क्या हो गया है तुम्हें, हाँ वॉट इज गोइंग ऑन, तुमने निशांत को कैसे थप्पड़ मारा और तुम निशांत को थप्पड़ कैसे मार सकती हो, तुम्हें पता है ना कि ही इज नाइस गाय, ही सपोर्ट यू ऑल द टाइम विथ यू, पर ये हरकतें नहीं चलेगी, तुम मेरे बेस्ट फ्रेंड को कैसे मार सकती हो। तो निक्की का भी दिमाग बहुत ब्लास्ट होता है, क्योंकि निक्की के दिमाग में ऐसा होता है कि ये किस टाइप का रिलेशन है, मेरे साथ सब कुछ करने के बाद मुझे अवॉइड किया जा रहा है और दूसरी लड़की आकर उसकी उसकी तारीफ कर रही है, जो मेरे साथ किया है उसने वो तो गलत है ना, हाँ किसी लड़की को यूज करके कचरे की तरह फेंक दो, ये तुम्हारी फ्रेंड की दोस्ती है। अब इस चक्कर में उसको बहुत गुस्सा आ रहा रहता है, तभी वो एकदम से हाथ हटाती है और बोलती है अनन्या तुम अपने निशान की खातिरदारी करना बंद करो और ये तरफदारी मुझे मत बताओ, ठीक है, तुम्हारा निशान कैसा है ये शॉर्ट में मैंने देख लिया था, और हाँ तुम तो तारीफ करोगी ना, आखिर तुम दोनों के बीच में चल जो रहा है,
और आके तुम्हारा तो अफेयर ही चल रहा है ना निशान के साथ, सीक्रेट तरीके से, दुनिया को तो दिखाना नहीं है, चुपचाप अपना उसके साथ करना है, दोनों एक दूसरे के साथ करते रहते हो और दूसरों के साथ फीलिंग्स के साथ भी खेलना है। तुम्हारा भी मन करता होगा किसी और के साथ करना, लेकिन पीठ पीछे तुम निशांत की ही सारी सुनती हो। हाँ तो अनन्या को बहुत हर्ट होता है और निक्की बहुत कुछ गुस्से में जो शायद उसे नहीं बोलना था सब कुछ बोलकर चली जाती है, और इतना गुस्से में जाती है। चाहत को पता रहता है अनन्या सुनने वालों में से तो नहीं है, इसलिए चाहत उसके पीछे नहीं जाती है। जैसे ही पूरा क्लासरूम में अनन्या आकर बैठती है और अनन्या साइड से बैठ जाती है, चाहत की तरफ देखती है, उसे इतना रोना आ रहा था कि कोई ने उसके बारे में इतनी डिस करती है। प्रीति भी आकर बैठ जाती है, प्रीति निक्की के बाजू में बैठती है, दोनों एक दूसरे से कुछ ज्यादा बात नहीं कर रहे थे। पूरा जो साइंस डिपार्टमेंट रहता है वो पूरा गरम रहता है, सब एक दूसरे से यू नो जस्ट ट्राई टू अवॉइड द थिंग्स इन अ दैट वे, कोई कुछ भी नहीं बोल रहा था। थोड़ी देर के बाद जो चाहत है वो अनन्या की वो ऑब्जर्व करती है, और जैसे ही ऑब्जर्व करती है तो उसे पता चलता है कि इसे तो कुछ हुआ है, समथिंग इज हैपेंड। तो वो थोड़ा देर तक ऐसे देखती रहती है, देखती रहती है, फिर उसको बोलती है व्हाट हैपेंड, तो वो बोलती है कि नहीं नहीं कुछ नहीं हुआ है। तो कहती तुम निक्की से बात करने गई थी क्या हुआ, तो कहती है कि नहीं नहीं कुछ नहीं हुआ, हो गई है मेरी उससे बात बट कुछ नहीं हुआ। तो वो उसे बोलती है कि तुम मुझे सच सच बता रही हो या नहीं। तो चाहत बोलती है कि बताओ बताओ, तब निक्की बोलती सॉरी अनन्या बोलती कि कुछ नहीं। बहुत देर तक ऐसी देर तक वो पूछती है, फिर उसको गुस्सा आता है, वो कहती ठीक है नहीं बताना मत बताओ, मेरे पास आना भी मत। और यहाँ पर अनन्या किसी भी हाल में चाहत को नहीं खो सकती है, इसलिए वो चुपके से धीरे से बोलती है अच्छा मैं बताती हूँ पर तुम मुझको बहुत डांटोगी, मुझ पे ही गुस्सा करोगी। तो चाहत बोलती है तुम काम ही ऐसे करती हो जो गुस्से वाली होंगे, कुछ करके ही आई होगी तभी बोल रही हो, अब बताओ हुआ क्या है। तो अनन्या चाहत को सब कुछ बताती है कि निक्की ने उसके साथ अफेयर का बोला है। तो कहती ये तो होना ही था, मुझे तो पहले से ही पता था, तभी तो मैं मना कर रही थी ना कि वो काफ़ी ज़्यादा यू नो गुस्से में है, वो तुम्हें कुछ भी ऐसा बोल देगी जिसमें तुम हर्ट होगी, पर तुम्हें समझ में तो आता नहीं है, तुम्हें तो अपनी यू नो फ्रेंडशिप फ्रेंडशिप करनी है। तभी अनन्या एकदम से चाहत की तरफ बोलती है आर यू आउट ऑफ योर माइंड, क्या बोल रहे हो चाहत, शायद आपको पता नहीं है कि निशांत ने एक टाइम हम दोनों के लिए बहुत कुछ किया है, वो लड़ा है हमारे लिए, शायद ये बात आप भूल गए पर मैं नहीं भूली। जिस सिचुएशन में पूरी फैमिली हमारे अगेंस्ट आ गई थी उस सिचुएशन में निशांत ने मुझे और आपको सपोर्ट किया है, जहाँ पर हम दोनों टेंशन में थे कि हमारी फैमिली हमारा साथ नहीं देगी, वहाँ मुझे निशांत ने साथ दिया है। सारी सिचुएशन सारी चीज़ें निशांत ने हैंडल करी थी हमारे लिए, शायद आप भूल गए बट मैं नहीं भूली। तभी चाहत बोलती है लुक अनन्या मैं कुछ भी नहीं भूली हूँ, इवन आई लाइक निशांत ऑल्सो, ही इज वेरी नाइस गाय, ही सपोर्ट अस व्हेन नोबडी इज सपोर्टिंग अस, व्हेन वी आर स्टक हमें सपोर्ट किया है उसने, पर सपोर्ट का ये मतलब नहीं होता है कि हम उसको कुछ भी तकलीफ हो रही है दो दो मिनट में उसकी तकलीफ को हटाएं। कुछ चीज़ें ऐसी होती है जो उसे खुद लड़नी है, उसके लिए हम कुछ नहीं कर सकते हैं, और मैं उसकी तकलीफ को ख़त्म करना या उससे दूर जाने को मैंने कहा ही नहीं है आपसे। मैंने कहा था जब सिचुएशन गर्म हो तब मत करो, निक्की भी अभी कुछ नहीं बताएगी क्योंकि वो दोनों एक दूसरे से गुस्से में लड़ रहे हैं। क्या बात हुई है उन दोनों के बीच में जानने के लिए उन्हें थोड़ा शांत होना पड़ेगा, तभी वो एक दूसरे से बताएंगे, और मैं सिर्फ शांति का इंतजार कर रही हूँ, मैं भी वेट कर रही हूँ। आपकी तरह ऐसा नहीं है
कि मुझे केयर नहीं है निशांत की। तो कहती, बट मेरा और निशांत का कुछ नहीं है, तुम जानती हो। पर निक्की को ये नहीं कहना चाहिए था, अनन्या रोते हुए कहती है। तभी एकदम से वो उसको हक करके बोलते, हाँ मेरा बच्चा, कुछ नहीं है, निक्की के भी मन में ऐसा कुछ नहीं है, बस इट्स अ हीट ऑफ द मोमेंट है। वो बहुत गुस्से में है, उसे थोड़ा शांत होके हम उससे बात करेंगे, हम उसके घर जाएंगे, उसे समझाएंगे कि तुम्हारा निशांत का कुछ भी नहीं है। ओके तो कहती, पक्का ना? तो कहती, पक्का पक्का, ठीक है। फिर ऐसी सब अपनी लाइफ के मोमेंट्स में लग जाते हैं, सब अपने स्कूल ख़त्म होता है, सब अपने चले जाते हैं। यहाँ पर जो निशांत रहता है वो कोचिंग चला जाता है और वहाँ पे स्टडी से कर रहा रहता है, लेकिन वो फोकस तो वो तब भी नहीं कर पा रहा रहता है क्योंकि उसके दिमाग में बहुत कुछ चल रहा रहता है। एक ऐसा टाइम आता है कि लड़का कितना भी स्ट्रांग बनने की कोशिश करे, मैन लोगों को स्टार्टिंग से बताया जाता है कि आप लड़के हो, आप अपने इमोशंस को कंट्रोल करोगे, यू आर द मैन, यू नो हाउ टू टैकल, यू आर द हेड ऑफ योर फैमिली, यू आर गोइंग टू टैकल अ वूमेन इन अ नाइस वे। आप एक आपके ऊपर सारी जिम्मेदारी बोझो तले डाल दी जाती है। निशान के साथ भी ऐसा था, निशान रोना चाहता था, चिल्ला चिल्ला के बोलना चाहता था, पर एक मैन नेचर और एक मैन ईगो की वजह से जो परवरिश एक लड़के को दी जाती है उसके चक्कर में वो अपने आप बहुत ज़्यादा उलझ जाता है। फिर उसे कुछ भी समझ में नहीं आता है कि वो क्या करे। फिर थोड़ी देर के बाद प्रीति उसे बोलती है कि निशांत चलें? तो कहता है, कहाँ पर? तो कहते हैं, हम हमारी फेवरेट प्लेस पर चलते हैं। शाम का टाइम रहता है, करीब 6-7 बज रहते हैं कि निशांत का हाथ पकड़ के प्रीति उसे अपनी फेवरेट प्लेस पे लेके जाती है। वो फेवरेट प्लेस एक साइड का एक टपरी रहती है जहाँ पर बहुत टेस्टी बर्गर मिलता है। वो दोनों वो बर्गर को खा रहे रहते हैं, कोल्ड ड्रिंक्स पी रहे रहते हैं, एक दूसरे को देख रहे रहते हैं। प्रीति सबसे पहले निशांत के मूड को चेंज करती है क्योंकि उसे वैद्य ने सिखाया था कि अगर किसी को पूछना हो तो उसे काम डाउन और टाइम दे के भेजो। तो वो बहुत अच्छे से टाइम देती है। फिर उसे पूछती है कि क्या हुआ। निशांत उसे बताता है, प्रीति यार आई डोंट नो कि मेरी किस्मत मुझे कहाँ लेकर जाती है। पता है, अगर किस्मत पढ़ाई की जैसी होती या फिर एक टेबल टेनिस की तरह, तो मैं इसे अपने रुख पे मोड़ लेता। मैं हार्ड वर्क करता, स्मार्ट वर्क करता और अपनी चीज़ों को वैसे मोड़ लेता, लेकिन किस्मत ना बुक की तरह है, ना पढ़ाई की तरह है और ना टेबल टेनिस गेम की तरह है। वहाँ पर तो एक अपने अलग से रूल चलते हैं, वहाँ तो रूल भी डिफाइन नहीं रहते। जब वक्त आता है, वक्त के साथ वो रूल्स भी चेंज हो जाते हैं और हम यहाँ पे पुरानी ओल्ड बुक या ओल्ड रूल्स बुक को लेकर चलते हैं। मेरे साथ भी कुछ ऐसे ही हो रहा है प्रीति। मैं चाहकर भी कुछ समझ नहीं पा रहा हूँ, मुझे डर लग रहा है, मुझे मेरे पास्ट को देख के डर लग रहा है। प्रीति उसे साइड से हक करके बोलती है, निशांत जो आस्था ने किया वो ही हर चीज़ वो लड़की करेगी, ज़रूरी नहीं है। और जो तुम्हारे साथ वक्त के साथ होता गया है, लाइक अनन्या का साथ तुमने कोशिश करी, फिर बहुत लोगों ने तुम्हें मिसअंडरस्टैंड किया, बहुत गलत किया, तुम्हें हर टाइम गलत ही समझा, ज़रूरी नहीं है कि हर कोई तुम्हें गलत समझे। सब कुछ, इतना सब कुछ होने के बाद भी निशांत, यू एंड मी हेयर, हमारे बीच में कितनी मिसअंडरस्टैंडिंग हुई, कितने चीज़ें मिसकम्युनिकेशन हुए, तब भी दिल से दिल का रिश्ता होता है ना, तो हम यहाँ बैठे हैं। चाहत और अनन्या के साथ जो जो हुआ उसके बाद भी वो तेरे लिए स्टैंड लेने के लिए बेताब रहती हैं। ये है फ्रेंडशिप। अगर अगर किस्मत हमें कुछ रूल्स बुक के साथ नहीं देती है, कुछ हमारे साथ बुरा देती है, तो कुछ अनएक्सपेक्टेड चीज़ें अच्छी भी तो होती है। और देखना हमारे साथ कितना अच्छी चीज़ें हुई हैं। सोचो कितना अच्छी चीज़ें हो रही है कि हम साथ में हैं इतना सब कुछ होने के बाद। और तुझे ऐसा क्यों लगता है कि मोहब्बत या प्यार तेरी ज़िंदगी में है ही नहीं? ये गलत है।
प्यार है, बस थोड़ा सा अपने पास से निकलेगा तो दिखेगा। सच बोल रही है निशांत, मुझे निक्की की आंखों में तेरे लिए बहुत प्यार दिखता है। निक्की एक्चुअल में तुझसे बहुत प्यार करती है, पर तू अपने पास की चीजों को देखकर उसे सिर्फ दूर भाग रहा है, जो गलत है। मैं तुझसे ये भी नहीं पूछूंगी कि रिसॉर्ट में तुम दोनों के बीच में क्या हुआ क्या नहीं। दैट इज योर प्राइवेट थिंग, इट्स नन ऑफ माई बिजनेस। प्रीति थोड़ा सा टॉन्ट मारते हुए निशांत को बोलती, निशांत बोलता है, आई एम सॉरी यार, मेरा ये कहने का मतलब नहीं था, इट्स नन ऑफ योर बिजनेस, इट्स जस्ट इट्स कम विथ द फ्लो। तो कहती, इट्स ओके, इट्स कम विथ फ्लो, बट इट इज रियल ना, इट इज ट्रू कि हाँ, इट्स नन ऑफ माई बिजनेस। तो मुझे नहीं पूछना है, और ना ही मैं पूछना चाहता हूँ, और ना ही मेरे को पूछना है। इट्स ओके, इट्स फाइन। तो प्रीति, बट क्या निक्की मुझे समझेगी? क्या वो समझ पाएगी कि मेरा इतना रूड एटीट्यूड, मैं ऐसा क्यों हूँ? उसे लगता है कि मैं हर टाइम रूड हूँ। मैं क्या करूँ, मैं इतने सालों से ऐसे ही हो चुका हूँ, लोग मुझे गलत समझते हैं, तो मैं अब किसी को क्लैरिफिकेशन नहीं देता हूँ। पहले बहुत चिल्लाया, क्लैरिफिकेशन बहुत दी, बट लास्ट में यार चीज़ें ऐसी हो गई कि ये सोसाइटी ने मुझे यार इस तरीके का बना दिया। तो प्रीति उसे साइड से रख करके बोलते, इट्स ओके, आई अंडरस्टैंड, चल अब चलते हैं, बट हाँ, थोड़ा शांति से रहकर निक्की को देखना। निक्की बहुत अच्छी लड़की है, अगर उसके अंदर तेरे लिए फीलिंग्स हैं तो है, और जहाँ तक मुझे लगता है निक्की उनमें से है जो लाइफ टाइम तेरा साथ निभाएगी, ना आस्था ना इन सब चीज़ों को। जो इतने रूट लड़के को पसंद करने लग जाए तो वो हर चीज़ में आगे होती है, क्योंकि हम हमेशा से ना अच्छी और प्यारी चीज़ें दिखते हैं, स्वीटनेस दिखते हैं। मतलब कि ये प्यार से बात कर रहा है तो हाँ ठीक है, हम अपना कंफर्ट लेवल देखते हैं, लेकिन अगर हम अपना कंफर्ट लेवल से निकल के किसी को प्यार करते हैं, वही एक सच्चा प्यार होता है, जैसे कि वैदेही ने मुझसे किया था। मैं बहुत ज़्यादा उसकी और मेरी बनती नहीं थी, हम लड़ाई झगड़ा करते रहते थे, वो अलग, मैं तो इतनी एंग्री बर्ड हूँ, बट वो फिर भी मुझे देखती है। वो हर बार बोलती कि ये आ गई है, गुस्सा करेगी मुझ पर, बट वो हर चीज़ हैंडल करती है मेरा। वही चीज़ मैंने निक्की की आंखों में तेरे लिए देखी है। सो जस्ट गिव अ टाइम, जस्ट गिव अ फ्लो, ओके, चल बाय। और ऐसे करके तभी वैद्य आती है अपनी स्कूटी लेकर और बोलती है, चलो प्रीति मैडम, आपको घर छोड़ देते हैं, और वहाँ से दोनों हंसते हुए चले जाते हैं। यहाँ पर प्रीति और वैदेही दोनों मस्ती करते होते हैं, तो प्रीति बोलती है थैंक यू, और वैदेही को बहुत टाइटली हग कर रही रहती है, और उसको वो वार्म फीलिंग्स को फील होता है। तभी वैदेही पूछती है, क्या हो गया मैडम, आज कुछ ज़्यादा प्यार आ रहा है मुझ पर? तो कहती है कि नहीं, हमेशा से ही रहता है, बट मुझे इतनी समझदार इंसान मिला है तो मैं क्या ही बोलूँ। तो वो बोलती है, अच्छा मैं और समझदार, या आप समझदार? भाई इंटेलिजेंट आप हो, कॉलेज में स्कूल में टॉप आप करते हो, मैं नहीं। तो कहती हूँ, मैं स्कूल में टॉप करती हूँ, बट एक बात बताऊँ, लाइफ की हर एक चीज़ पर आप टॉप करते हो, मैं तो सिर्फ स्कूल में टॉप करती हूँ। पर ज़िंदगी को एक अच्छे तरीके से जीना, काम डाउन तरीके से करना, ये तो आप करते हो, एंड यू आर द मोस्ट 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 ब्यूटिफुल पर्सन फ्रॉम इनर इनसाइड, एंड आई रियली रियली लव यू। तो वैदेही को काफ़ी अच्छा लगता है, वैदेही बहुत प्यार से बोलती है, ओके चलो आपका घर आ गया। दूसरी तरफ जो चाहत और अनन्या रहते हैं, वो ये डिसाइड करते हैं कि वो निक्की से बात करेंगे, तो वो निक्की से बात करने जाते हैं, और निक्की जो रहती है वो जैसी उनको मिलती है तो वो बोलती है, चाहत अनन्या इतनी रात को तुम यहाँ पर कैसे? तो वो कहती है कि यार एक्चुअली ना मुझे इसलिए आना था कि मुझे कुछ बातें क्लियर करनी थी। चाहत बोलती है निक्की से, तो निक्की बोलती है, यार ऐसा कुछ भी नहीं है क्लियर करने को, आई मीन व्हाई यू जस्ट थिंकिंग। तो कहती, क्या हम लोग घर के अंदर आ सकते हैं, या फिर आप हमें अंदर आने के लिए भी ना ही बोलेंगी? तो कहती, अरे कैसी बात कर रहे हो यार, कम कम इनसाइड। तो वो दोनों अंदर जाते हैं,
अनन्या को तो थोड़ा बुरा लग रहा रहता है, और निक्की को भी समझ में आता है कि अनन्या उसे थोड़ी गुस्से में, तो अनन्या और निक्की एक दूसरे से कुछ बात नहीं करते। तभी चाहत बोलती है, देखो निक्की, आई डोंट नो वॉट इज हैपन बिटवीन यू एंड निशांत एंड दैट वॉज योर पर्सनल मैटर, बट एक चीज़ मैं कुछ क्लियर करने आई थी यहाँ पर, और वो ये है कि देखो अनन्या का निशान के साथ कुछ भी नहीं है। तो प्रीति कहती है, तभी निकी कहती है, यार आई एम सॉरी, वो मैंने गुस्से में कह दिया था, बट मेरा इंटेंशन नहीं था, और दूसरी बात यार अनन्या, आई एम सॉरी, इट्स नॉट लाइक दैट, बट आई एम सॉरी, वो हो गया। तो अनन्या कुछ नहीं बोल रही रहती, तभी कहती है, मैं थोड़ा चीज़ें क्लियर कर दूँ, फिर आप जो है चीज़ों को अलग तरीके से देख लेना। निशांत हमारा बहुत अच्छा दोस्त है। यस, निशांत और अनन्या के बीच में बहुत अच्छी बॉन्डिंग है, बहुत अच्छी है। और एक बात ये भी सच है कि निशांत अनन्या को प्यार भी करता है, एज अ फ्रेंड भी और एज अ मोर देन फ्रेंड भी करता था, पर अनन्या जो है वो किसी और से प्यार करती है, और जिसकी वजह से निशांत और अनन्या एक साथ नहीं है। पर किसी और को प्यार करने की वजह से हम अपने प्रेजेंट फ्रेंडशिप तो नहीं तोड़ सकते ना, तो वही था कि उनकी फ्रेंडशिप किसी भी हालत में नहीं टूटी और उनका आज भी वैसा ही रिलेशन है। तो जब भी वो दोनों एक दूसरे से मिलते हैं तो उनकी काफ़ी अच्छी बॉन्डिंग होती है, बट आप उसको गलत भी में मत लो। तो निक्की कहती है, ओके बट अभी अनन्या आप किससे लाइक करते हो? तो अनन्या चुप रहती है, तो वो कहती है कि वो मुझसे लाइक करती है। व्हाट, क्या बोल रहे हो आप? आई मीन व्हाट, यू गाइस आर जस्ट अ फ्रेंड्स, आई नो दैट, मतलब जहाँ तक मुझे पता है। तभी चाहत बोलती है, आई थिंक निकी, इट्स नॉट अ राइट टाइम टू टॉक विथ यू अबाउट दिस थिंग, इट्स जस्ट अ थिंग कि आई वॉन्ट टू कम एंड डिस्कस विथ यू कि अनन्या और निशांत के बीच में कुछ भी नहीं है, बस यही बताने आई थी। शायद ये सही टाइम नहीं है हमें इस बारे में बात करने का, और आप इस स्टेज पर भी नहीं हो कि मैं आपको अभी कुछ भी समझाऊंगी और आप समझ सकूँ, तो मुझे चलना चाहिए। तो कहते हैं, वेट 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 वेट, नो नो नो, यू कांट गो, आई मीन मैं रात भर टेंशन में रहूँगी और मुझे समझ में नहीं आएगा, तुम एक्सप्लेन करो प्लीज़। तो वो कहती है कि ओके, तो पहले तुम एक काम करो, एक अच्छी सी कॉफ़ी लेकर आओ, हम कॉफ़ी बैठ के पीते हुए डिस्कस करेंगे, तो तुम थोड़ा काम डाउन भी रहोगी। तो कहती है, ओके ओके मैं लेकर आती हूँ। कि जब तक कॉफ़ी लेने जाती है, तभी यहाँ से अनन्या कहती कि चाहत, तुम क्यों बता रही हो उन्हें हमारे रिलेशन के बारे में, मुझे नहीं लगता वो समझेगी। तो कहती है, वक्त आ चुका है अनन्या चीज़ों को कुछ क्लियर करने के लिए, शायद उसे मिसअंडरस्टैंडिंग निशांत के बारे में भी बहुत कुछ है, उसे बताना पड़ेगा कि निशांत ऐसा क्यों है, रूड है, वो किस चीज़ से भाग रहा है, क्या है, इन दोनों के बीच में क्या हुआ है हमें नहीं पता, बट एटलीस्ट हमारे साइड से जितना हो सकता है हम कुछ चीज़ें क्लियर तो करें। पता नहीं कब क्या होगा कैसे होगा, बट जाकर पता करेंगे तभी तो होगा ना, सो कोशिश है। तभी निक्की आती है और कॉफ़ी दे देती है, और निक्की बोलती है, स्टार्ट चाहत। तो चाहत उन्हें बहुत प्यार से बोलती है कि देखो निक्की, आई डोंट नो कि आप किस टाइप के हो और आप किस चीज़ को गलत वे में लोगे, लेकिन लव इज़ लव होता है, लव बियॉन्ड द जेंडर, बियॉन्ड द सोल, बियॉन्ड द बॉडी होता है, एक अलग ही होता है। तो मैं अनन्या से प्यार करती हूँ, अनन्या मुझसे प्यार करती हैं, हम एक दूसरे को डेट कर रहे हैं लास्ट 4 इयर्स से। निक्की बोलती है, आर यू सीरियस गाइस, डेटिंग फॉर अ लास्ट 4 इयर्स, एंड सीरियसली मुझे कुछ भी नहीं पता ये गर्ल गर्ल का क्या होता है, एक्चुअली सच बोलूँ चाहत, मुझे तो प्यार भी नहीं पता ये क्या होता है, एंड मुझे कुछ भी नहीं समझ में आ रहा है, मैं कहाँ उलझी हुई हूँ, मैं कहाँ फंसी हुई हूँ, मुझे कुछ भी नहीं पता, प्लीज़ मेरी मदद करो। निक्की बहुत बोल रही रहती है, तभी चाहत बोलती है, रिलैक्स, कॉफ़ी पियो, मैं तुम्हारी उलझनों को सुलझाने ही आई हूँ।
क्या तुम्हें निशांत पसंद है? तो कहती है, हाँ मुझे पसंद है, मुझे अच्छा लगता है उसके साथ, क्योंकि मैं ना, मतलब कैसे बताओ चाहत, मुझे क्यों पसंद है, क्या रीज़न है, मुझे कुछ भी नहीं पता, बट मुझे ना उसका साथ रहना, उसकी प्रेजेंस काफ़ी अच्छी लगती है। और जिस तरीके से उसने बहुत दिनों में, कुछ दिनों में बहुत प्रोटेक्टिव रहा है मेरे लिए, लाइक मुझे हर एक प्रॉब्लम से बचाया है, ये सब देखकर ना एक अलग ही वाइब्स आती है उसके लिए। कैसे है, क्या है, मुझे कुछ भी नहीं पता, पर चाहत अच्छा लगता है, बहुत अच्छा लगता है। तभी अनन्या पूछती है, मैं कुछ पूछूं निक्की, तुम गुस्सा तो नहीं करोगी? तो कहती है, नो आई नॉट एट ऑल यार, प्लीज प्लीज, मैं बहुत उलझी पुलझी हुई हूँ, मुझे प्लीज उलझाओ। हाँ पूछ सकते हो आप, पूछो क्या हुआ है। अनन्या बोलती है, रिसॉर्ट में तुम दोनों के बीच में क्या हुआ था? क्योंकि उस दिन से पहले तक तो नॉर्मल था, फिर उस दिन भी तुम लोग काफी खुश थे, उसके बाद से समथिंग इज हैपन, तो क्या रिसॉर्ट में कुछ हुआ था? प्लीज बी फ्रेंकली, तभी हम तुम्हारी कुछ हेल्प कर सकते हैं, वरना तो नहीं हो पाएगा, अनन्या कहती है। निक्की जो रहती है थोड़ी आंखें नीचे करके, थोड़ी शर्मिंदा टाइप ऐसे नीचे बैठी रहती है। तभी चाहत उसका फेस को हर्ट करके बोलती है, यू कैन से एनी थिंग, जब हम दोनों एक दूसरे से प्यार करते हैं, हम सोसाइटी से नहीं डरते, तुम्हारे तो एक स्ट्रेट कपल की तरह प्यार कर रहे हो, तो उसमें क्या है? तो कहती है, नहीं मतलब कैसे बताऊं, समझ में नहीं आ रहा है। तो अब देखते हैं निक्की चाहत और अनन्या के साथ अपनी राज कैसे खोलती है, निशांत इतना हार्ड क्यों हुआ, कैसे हुआ, कुछ राज उसके साथ भी हुए थे, वो सारी चीज़ें पता चलेगी अगले कुछ एपिसोड्स में। और जानने के लिए देखते रहिए। इफ़ यू लाइक माई स्टोरी, लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू।